दोस्तों क्या आप भी 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का सप्लीमेंट्री का एग्जाम देने वाले हैं? अगर एग्जाम देने वाले हैं 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का सप्लीमेंट्री का, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे क्या है आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट ना हो और आपको परीक्षा देते समय कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर आपको 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं देखा है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है कंप्लीट वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना है। तो देख लीजिए दोस्तों क्या है ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए जो कि जारी कर दिए गए हैं, उन महत्वपूर्ण निर्देशों को हमको समझ लेना है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं एक एक करके हमारे जो मेन पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे लिए जानना जरूरी है जिससे क्या हमें परीक्षा देते समय कोई भी परेशानी ना हो, तो हम उन पॉइंट को देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे नंबर एक पर दिया गया है परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जब भी दोस्तों आप अपना एडमिट जो कि एग्जाम देने जाओगे जो कि परीक्षा सेंटर पर, तो आपकी क्या की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अतः समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। आपके एग्जाम 9 बजे स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो आपको दोस्तों 8 बजे तक उपस्थित हो जाना चाहिए और परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आपका 8 बजे प्रवेश स्टार्ट हो जाएगा और 8:45 तक आपका प्रवेश चलने वाला है। तो 8:45 से पहले पहले यानी कि मैं सजेस्ट करूँगा आपको 8:30 तक आपको अपने परीक्षा केंद्र उपस्थित हो जाना है, जिससे क्या है कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह ऐसे जो कि बहुत सारे किए जाएंगे और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क चेक किया जाएगा, तो इसी वजह से क्या है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो पॉइंट दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। परीक्षा केंद्रों पर सभी छात्रों को अपने नाक मुंह को नकाब कपड़े से ढककर रखना चाहिए और साथ ही फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए आपको। तो अपना जो मास्क लगाकर आना है, अगर आप बिना मास्क के जो कि एग्जाम देने जाओगे तो आपको पर जो कि परीक्षा हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का जो कि पालन करना होगा। इसके बाद में जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर में दोस्तों, अगर आप अपना पीने का पानी ले जाना चाहते तो दोस्तों वहाँ पर परीक्षा सेंटर पर आपको कोई भी पीने का पानी नहीं मिलेगा, अपना स्वयं पानी पीने का लेकर जाना है, यानी कि स्वयं अपनी जो बोतल है पानी की उसको लेकर आपको जाना है। इसके बाद में सबसे मेन पॉइंट है 5 नंबर पर, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं और एडमिट कार्ड में अगर आपके पास में किसी सब्जेक्ट में या फोटो में ऐसा लगता है कि हमारा फोटो या सब्जेक्ट में कोई गलतियाँ हो गई हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया है उस स्कूल के प्राचार्य से प्रिंसिपल से अपने जो सही फोटो है उसको चस्पा करके अंकित करके यानी कि अपना एडमिट कार्ड सही करके यहाँ पर लाना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे फोटो या कोई भी सब्जेक्ट में गलतियाँ हुई हैं, तभी आपको ऐसा करना है, यानी कि आपको अपने प्रिंसिपल के पास जाना है, जिस भी आपको स्कूल में एडमिशन लिया है उस स्कूल के प्रिंसिपल में जाकर प्रिंसिपल के पास में जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है वो सही करवा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो 6 नंबर पर वो दिया गया है, अपने साथ में कोई भी कागज़ चिट पुस्तकें ऐसी चीज़ें नहीं ले आनी है। अगर आपके पास में ऐसी चीज़ें निकलती हैं तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें उत्तर पुस्तिका पर, आपके पास में जो उत्तर पुस्तिका आएगी जहाँ पर आप अपने जो एग्जाम्स को लिखोगे वहाँ पर आपकी जो परीक्षार्थी है वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। परीक्षा के लिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखते हैं कि हम 500 रुपये वो दे देंगे तो हमारा पास कर दो प्लीज़ भगवान जी, ऐसा पास कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। इससे परीक्षा निरस्त की जा सकती है, यानी कि आपकी जो परीक्षा ऐसी निरस्त की जा सकती है। छात्र उत्तर पुस्तिका में लाल स्याही अथवा लाल पेंसिल का आपको उपयोग नहीं करना है, ओनली जो कि नीली स्याही होती है, नीली स्याही वाली जो पेंसिल होती है उसी पेंसिल को आपको उपयोग करना है, उसका जरूर ध्यान रखें। आपको टीचर्स के लिए कुछ भी नहीं लिखना है। ओके दोस्तों, इसके बाद में आपका जो सबसे पॉइंट बनाया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 11 नंबर पर एक पॉइंट दिया गया है, अगर दोस्तों परीक्षा कार्यक्रम में यानी कि जो परीक्षा का एग्जाम का टाइम टेबल में अगर आवश्यक होने पर अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल चाहे तो उसमें चेंजिंग कर सकता है, यानी कि उसमें जो परिवर्तन है वो कर सकता है। ऐसे आपका जो 14 तारीख को एग्जाम है उसको बढ़ाकर 20 तारीख कर सकता है अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल चाहे तो। लेकिन जो जब भी जो चेंज करेगा दोस्तों उसकी जो जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा और SBG चैनल के द्वारा आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको SBG चैनल के द्वारा सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। कुछ जो नियम है जो आपको समझ में आ गए होंगे इन नियमों को जरूर फॉलो करें, जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपको कोई परेशानी आ रही है तो एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड दोस्तों जो हमारा जारी किया गया है 9 सितंबर को, हमारा शाम को 7 बजे हमारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था।
है, लेकिन जो इसकी लिंक है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इस पर एग्जाम की ज़्यादा वजह से जो प्रेशर हो गया था वेबसाइट पर, इसलिए जो एग्जाम है जो एडमिट कार्ड की जो लिंक है वो सही तरीके से हमारी 10 बजे से जो काम करना रात को 10 बजे से 9 सितंबर को रात को 10 बजे स्टार्ट हो चुकी है सही तरीके से। लिंक तो आप अपना एडमिट कार्ड जो कि डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने का मैंने तरीका बता दिया, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।